हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस सीरीज में जिसका नाम है एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान विद आराधिता एडुकॉन। और जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 1 में देखा, डॉक्टर आशीष महेंद्रा ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इंट्रोडक्शन दिया उज़्बेकिस्तान का, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, काफ़ी कुछ दिखाया। तो उसी को हम आगे इस एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रह गई हैं आप लोग के जानने के लिए, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ किस तरह के रेस्टोरेंट हैं, किस तरह का खाना है, और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो एपिसोड 1 में छूट गई थी, जो कि हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और अब शुरू करेंगे हम लोग अपना एपिसोड नंबर 2 जिसका नाम है द इंटरेस्टिंग उज़्बेकिस्तान। सो लेट्स गो। और ये आर्किटेक्ट जो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, पूरी सिटी में आप देखेंगे। और अगर आप रशिया चले जाइए या यहाँ आइए, किसी भी ये देश जो यूएसएसआर से टूटे थे, तो आर्किटेक्ट आपको ऑलमोस्ट सबका सेम दिखेगा। तो मेरी अपनी थ्योरी थी कि ये रशियन आर्किटेक्ट है, अभी हम सोचते थे जो इतना मैसिव लोग बनाते हैं ये। तो कल किसी ने हमें बताया कि ये उज़्बेकिस्तान से ही आर्किटेक्ट पूरे इन प्रांतों में गया है। और उज़्बेकिस्तान का एक और सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में, अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी लेकिन मैंने आपकी की तरह कम पढ़ी है, कि जो सिल्क रूट था, जो व्यापार के लिए पूरा रास्ता बना था, पुराना रूट जो चाइना से होके जाता था और ये यूरोप को कनेक्ट करता था, आपका वाया उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान होते हुए जाता था, तो ये सिल्क रूट, और वो बाइफरकेट होता था आई थिंक उज़्बेकिस्तान के बाद से, और एक आपका उसमें मक्का चला जाता था और एक आपका यूरोप में चला जाता था। तो ये जो बिजनेस रूट हमारे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो व्यापार के हिसाब से ये बहुत समृद्ध और एक बहुत अमीर देश था एक समय। कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी कि जब यूएसएसआर टूटा तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आई, देश कमज़ोर हुए, लेकिन आज भी इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पे मैंने तो कोई भिखारी नहीं देखा अभी जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ आपको कोई भीख मांगता नहीं दिखेगा, कोई गरीब नहीं है, लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत खुश मिजाज लोग हैं, किसी की तरह का यहाँ टेंशन लोगों में नहीं दिखता। एक बात और बताना चाहूँगा बीच में, हाँ, कि इस कंट्री में 80% मिडिल क्लास है, 20% ही हायर क्लास है, लेकिन वो मिडिल क्लास भी ऐसे लग्जरियस लाइफ जीते हैं जो इंडिया में एक मिलियनर को भी सोचना पड़ता है। उसका बंगला गाड़ी, मतलब आप देख सकते हैं पूरी कंट्री, मतलब मिडिल क्लास, यहाँ डेफिनेशन ये है कि बेसिक बंगला गाड़ी जिसके पास है वो मिडिल क्लास है, जो कि हमारे यहाँ हाई क्लास है, और यहाँ जो रिच क्लास है वो बहुत रिच क्लास है। रिच क्लास जैसे हमारे यहाँ टाइप ऑफ अम्बानीज लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे रिच क्लास हो जाता है। और मिडिल क्लास मतलब जिसके पास बेसिक चीज़ें हैं सारी, बेसिक रोटी कपड़ा मकान है हमारे इंडिया में, वो यहाँ का बेसिक रोटी कपड़ा मकान नहीं है, यहाँ का बेसिक है घर, अच्छा घर, गाड़ी और पैसा जितना, तो वो लाइवलीहुड रहने के लिए बेसिक लाइवलीहुड या कह सकते हैं लग्जरियस लाइवलीहुड वो यहाँ की जनता जीती है। और ट्रैफिक रूल जो यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज, सिग्नल का रेस्पेक्ट करेंगे, पब्लिक का रेस्पेक्ट करेंगे। और हमसे कई बार गलती हुई कल कि हमने सिग्नल बिना देखे भी हम लोग क्रॉस कर लिया, वॉक करने वाले, मतलब वॉक कर रहे थे, तो यहाँ की कोई भी गाड़ी रुक जाएगी आके, आपको क्रॉस नहीं करेगी जब तक कोई भी पैदल यात्री रोड क्रॉस कर रहा होगा। ये इनके कह लिए या तो इनका अपग्रेड, इनको ऐसा सिखाया गया या इनकी सोच ऐसी है कि ये बहुत ही पेशेंस है, इनमें बहुत पेशेंस है। हमारे यहाँ तो सिग्नल भी होगा तो भी आदमी डर है कहीं मार के ना चला जाए, लेकिन यहाँ पे लोग इंसान की कदर करते हैं, इंसान की वैल्यू है यहाँ पे। और आप देखेंगे, और ट्रैफिक रूल तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और हर जगह सीसीटीवी है। इस कैमरे में शायद हम आपको वो सीसीटीवी तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हर जगह लगे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई चौराहा, कोई गली,
शहर का कोई कोना, कोई हाँ, जैसे वो कहते चप्पा 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 हमारा सीसीटीवी से मॉनिटर्ड है पूरा, तो यही आपको बताता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की है। और हम लोग रेस्टोरेंट के काफ़ी पास हैं, अभी रोड क्रॉस करेंगे और रोड क्रॉस करने की रोड क्रॉस कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखी ग्रीन, मतलब हाँ कैसा सिस्टम है, वहीं पर रुक जाएगी गाड़ी, गाड़ी रुक जाएगी। और देखिए अब हमारे लिए रेड हो गया, मतलब अब हम रोड नहीं क्रॉस कर सकते, हम पैदल वालों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए क्योंकि मैं कह रहा ऑलरेडी एक रेड सिग्नल है, पर वो आदमी गाड़ी रुकी हुई है, उसको जाना सही है एज पर रूल, पर वो वेट किया, उसने हमें दूर से देख लिया कि हम लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये यहाँ का एक बहुत खूबसूरत है, ये लोगों में अपना उन्हें खुद से है। और हालांकि मैं रूल तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने रेड सिग्नल पे भी रोड क्रॉस कर लिया, और लेकिन उसको उन्होंने समझ लिया कि ये बाहर के होंगे, शायद इन्हें नहीं पता या इन्होंने नहीं ध्यान दिया, तो वो गाड़ी खुद रोक लेंगे। और देखिए अभी रेड सिग्नल, तो हम फिर से एक बार रूल तोड़ रहे हैं इसे आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये गाड़ी अपने आप ही रुक गई, अभी भी रेड सिग्नल है। तो मतलब मेरा ये यहाँ पर सिग्नल तोड़ने का एम ज़रा सा भी नहीं है, सी आपको ये दिखाना है कि लोगों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ आपको समझाने के लिए इस देश के बारे में हमने ये दो ट्रायल किए, जो कि अब आगे से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है हर देश के, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर देश चाहता है कि आप अगर उनके देश आ रहे हैं तो उनके सिस्टम का रिस्पेक्ट करें, उनका जो भी चीज़ें हैं वो देश दोनों हाथों से आपको वेलकम कर रहा है। तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। और बात करते करते कि क्या नाम है इसका, शालीमार, ठीक है, शालीमार रेस्टोरेंट हमें मिल गया। पैदल होटल से हम अभी भी चले थे और 5 मिनट भी शायद लगा होगा मशीन से, अभी हम लोग शालीमार रेस्टोरेंट आ गए। ये आपका देखिए इंडियन रेस्टोरेंट है, देखिए क्या लिखा है इसमें, पाकिस्तानी इंडियन अरेबिक फूड। और मैं देखिए मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और बींग अ वेजिटेरियन मैंने तो कल यहीं पर खाना खाया था, और अभी क्योंकि होटल के पास सबसे, तो अभी जब तक हमें तो यहाँ या यहाँ से आसपास जो भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ हम खाना खाएंगे, तो आपको और भी डिटेल देंगे। ये 18,990 लिखा है ना, हाँ इनकी करेंसी में, जी जी। अभी देखो ये दो ये हटाओ तो ये ऐसे गया है करीब 130-140 रुपये किलो। टमाटर यहाँ पे 12,099 का है, 26,000 का खीरा है, और आलू है 18,090, नहीं आलू नहीं है ये गाजर, हाँ गाजर कद्दू है, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं। ये सब तो बाहर से आता है, किराया वो सी यहाँ पे है नहीं कहीं आसपास, यहाँ पे झीले हैं उनमें से है। अच्छा अब कुछ बाहर से भी ये सारे साउथ ईस्ट में, हाँ साउथ ईस्ट, अरे बना बना के दे रहे हैं अंदर, हो गया ये मिठाइयाँ यहाँ की, केक पेस्ट्री, एक तो बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत है ना, ये ड्राई फ्रूट्स, ये इनके यहाँ ये लोकल होते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो टॉफीज आशीष, यू नो हिंदी थोड़ा 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 हिंदी तो ये मुझे मिले, और हिंदी भाषा पढ़ता हूँ, अच्छा ये कह रहे हैं मैं हिंदी भाषा पढ़ता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आप यहाँ उज़्बेकिस्तानी में रहते हैं, अच्छा गेस्ट सिटीजन ऑफ उज़्बेकिस्तान,
हम लोग को एक सिम की दुकान ही मिली थी, ये इंडियन रेस्टोरेंट जो हम लोग बाहर खड़े थे, तो ये हमें मिल गए और इन्होंने, मैंने बस पूछा है और ये हमें पास में सिम की दुकान ले जा रहे हैं। मतलब यहाँ के लोगों का हम आपको एक नेचर दिखाना चाहते हैं कि दे आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। हमने इनसे रास्ता पूछा, इन्होंने अपना सारा काम छोड़ा, हाँ रेस्टोरेंट का काम छोड़ा है और अब ये हमें बगल में सिम कार्ड दिलाने ले जा रहे हैं। तो और एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि ये हिंदी बोल और समझ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी का कोर्स कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आपको सीख रहे हैं हिंदी। तो अच्छा लगता है कोई हमारे देश की भाषा सीखना चाहता है। आप दिल्ली आए हैं कभी? नहीं, यू हैव नेवर बीन टू इंडिया? नो, यू गो एनी टाइम इन इंडिया? इंडिया फॉर व्हाट? ट्रीटमेंट तो एजुकेशन के लिए जेन्यू आएंगे ये बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये अपना जो एजुकेशन अभी यहाँ कर रहे हैं उसका फाइनल कोर्स के लिए या के लिए जो इनका होगा वो उसके लिए ये जेएनयू आएंगे। तो आप देखिए इंडिया का कहाँ कहाँ तक कनेक्शन है, ताशकेंट से हम लोग, देखिए टाटा, हम लोग पढ़े लिए ये टाटा क्लब लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली टाटा नहीं है, ये रशियन में लिखा होगा, जो लेटर्स हमारे इंग्लिश के साथ मिमिक करते हैं, हमें दिखते हैं, बट वो क्योंकि यहाँ पे USSR था तो रशियन यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं, जानते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इंग्लिश समझते हैं। हम बहुत जगह गए हैं रशियन पार्ट्स के, रशिया से लिखे, और अभी बहुत जगह रशियन ही लोग जानते हैं, इंग्लिश कम लोग जानते हैं, आम जनता, मेन आम पब्लिक, मैंगो मैंस। बट उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंग्लिश जानने समझने वाले लोग हैं काफ़ी, तो ये एक अच्छी भी चीज़ है हम लोग के लिए कि आपको इंग्लिश आती है। इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब लोग हिंदी बोल, इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और अच्छी बात है, कुछ ऐसे भी लोग मिल जा रहे हैं जो हिंदी भी बोल ले रहे हैं, तो हिंदी में इंटरेस्ट है। देखिए एक गाड़ी आ गई, एक गली पड़ी थी, इन्होंने गाड़ी रोक दी हमें देखते ही, एकदम तेज़ी से ये गाड़ी आ रही थी। मैं सोचा मैं रुकूं, क्रॉस कर सकते, हाँ और तब तक रुक गए, और जबकि वो इतना टाइम था उनके पास कि जब वो स्पीड में थे वो क्रॉस कर जाते हम थोड़ा दूर से, लेकिन उन्होंने दूर से ही हमें देख के गाड़ी रोकी, उन्होंने दे अलाउड अस टू मूव। तो ये इसी वीडियो में ये तीन बार ऐसा छोटे से 2 किलोमीटर के वॉक में हमने देखा, तो एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत पॉजिटिव इस सिटी के बारे में हम लोग को बता रहा है, और बहुत खूबसूरत है। हम आपको दिखाते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लग रही है, ये ना कि बिल्डिंग, ना कि आर्किटेक्ट, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जो कि सभी जगह रहता ही है, डेवलप कोई भी स्टेट कैपिटल होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साफ़ सफाई, साफ़ सफाई बहुत है, लोगों को बहुत नॉलेज है अपना सफाई रखने की, करने की। और हर जगह पे थोड़ी दूर पे डस्टबिन बने, आप कूड़ा डाल सकते हैं। देखो रोड के कोने पे लेकिन कितने सलीके से रखा हुआ है, ये देखो। देखिए सारे सब्जी आपके यहाँ पे मिलोगे, पीछे केला भी दिख रहा है और संतरा मिला है, फ्रूट है, कुछ सब्जियाँ भी हैं, पत्ता गोभी वगैरह दिख रही है। छोटी छोटी दुकान है, ऑर्गेनाइज है, कितनी फुटपाथ के किनारे बना रखे हैं इन्होंने, अच्छे से खूबसूरती से सब सजा रखा है, हम देख सकते हैं इसको। और देखिए मैं तो सोचा था कि रेस्टोरेंट के बगल में होगा सिर्फ, यानी कि अच्छा खासा दूर, हम लोग तो अकेले नहीं आ पाते, और ये काफ़ी दूर ही हमको ले आए हैं यहाँ पे सिम का रहने। बहुत बहुत इनका शुक्रिया करना होगा, क्योंकि आज के दुनिया में हमारे यहाँ भी ऐसे सब लोग नहीं मिल पाते कि कोई अपना काम छोड़ के एक गैर आदमी, एक पराए मुल्क का आदमी, एक दूसरी जगह का इंसान के लिए हमें सिर्फ एक सिम कार्ड दिलाने के लिए इतनी दूर वॉक करेगा, नहीं कर सकता। मतलब मेरे साथ, मेरे नॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ रियली बहुत ही इसका अप्रिशिएट करने वाली बात है, इसको हम लोग देख सकते हैं। और
एक ही और थी यहाँ पे ज्वेलरी फेरा बुटीक। यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप्स हैं सुपर मार्केट उधर वो इंग्लिश में ही लिखा है, तो यहाँ के लोगों की सारी चीज़ें दे आर यूजिंग इंग्लिश वेरी मच। जैसे अभी हम और कंट्रीज़ में आपने हमारे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ कम है, इंग्लिश लोग कम यूज़ कर रहे हैं, लोग अपनी लोकल लैंग्वेज या रशियन या ऐसी। तो यहाँ पे हम लोग भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, बारबेक्यू बर्गर ट्राइबल काफ़ी चीज़ें सब इंग्लिश, तो अच्छा है मतलब अवेयरनेस है इंग्लिश को लेके। सारे शेड लेके आपको नज़र आएगी क्यों ये लोग बहुत ऑनेस्ट है, यहाँ पे मोनोपोली चलती है। अच्छा। यहाँ पे कोई BMW मर्सिडीज फरारी किसी का शोरूम नहीं पाओगे आप। अच्छा। सिर्फ इसी कंपनी की, किस कंपनी के साथ मोनोपोली गवर्नमेंट की कि हम ही बेच सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए मैक्सिमम कारें यहाँ शेयर देती हैं। अब आप ये सोचिए BMW या फरारी लंबोर्गिनी रोल्स रॉयस इनको पैसे कमी है, गवर्नमेंट को खरीद सकती हैं लेकिन पैसों से नहीं। एक बार जिसको जबान दे दी दे दी, ये ऑनेस्ट चीज देख रहे हैं आप, कहीं पे आपको शोरूम नहीं मिलेगा। शेवल इसलिए शेवलें यहाँ में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ऑलमोस्ट सारी कारें। और देखिए एक लंदन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस हम लोग को दिख गया यहाँ पे चौराहे पे, तो ये कोई लंदन का ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की कोई ब्रांच है, बिजनेस की कोई स्कूल के यहाँ ब्रांच खुली हुई है और मेन रोड पे ही है, चौराहे पे ही मार्केट नहीं है। तो एनीवे अब इसके बाद फिर हम आपको और अभी शहर दिखाते रहेंगे। डॉक्टर साहब हम लोग ने अब शहर बहुत देख लिया, यहाँ की सुपरमार्केट भी देख ली, मॉल भी देख लिया, क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं हमारे इंडियंस के लिए वो भी देख लिया, किस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, किस तरह के क्विजींस हैं आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के ट्रैफिक रूल्स आपने जो इंसिडेंट दिखाया है कि लोग कितने अच्छे हैं, इंडियंस को कितना मानते हैं वो भी देखा, तो ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे हम लोग के ताशकेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जाने और उसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।